रायपुर में सजे न्यूज 18 के बेहद खास मंच ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बजरंग दल पर बैन, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, परिवारवाद जैसे कई मुद्दों पर सीएम खुलकर बोले। आइए देखते हैं ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल का बेबाक अंदाज। न्यूज 18 का बेहद खास मंच ओपन माइक, मेहमान भी बेहद खास। रायपुर में सजे विकास की चर्चा के इस अनोखे मंच पर सीएम भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने अपने मन की बात शेयर की। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने बजरंग दल, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर जोरदार सियासत हुई थी। सीएम भूपेश बघेल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि बजरंगबली के नाम से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बजरंगबली ने दिखा दिया कि वो किसके साथ हैं। बजरंगबली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंगबली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंगबली का नारा लगा है और रिजल्ट आया तो बजरंगबली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती है। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ओर से थोपा गया मुद्दा है। सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूं और महीनों से दे रहा हूं कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं। प्रदेश में शराबबंदी पर लंबे समय से सियासत जारी है। बीजेपी इसे लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सरकार इस पर क्या सोचती है, शराबबंदी पर सरकार का क्या है प्लान, सीएम भूपेश बघेल ने इस पर भी अपनी बात रखी। ये तो लैंडलॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है और एक बार नहीं कई कई बार हो रही है, तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों का रोजगार गया, तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। इन अहम मुद्दों के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल, राजनीति में परिवारवाद, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। ओपन माइक के मंच से सरकार की सोच जनता के सामने रखी। इस मंच पर सीएम भूपेश बघेल के अलावा सिंगर सुमेधा, ट्रांसजेंडर क्वीन वीना, पिपली लाइव एक्टर ओंकार दास, मंत्री मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, आईपीएल प्लेयर हरप्रीत भाटिया, माउंटेनियर चित्रसेन और मशहूर छत्तीसगढ़िया सिंगर सहदेव भी अपने मन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसलिए साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।